ईडीनं शरद पवार यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा राज्य सरकारशी संबंध नाही, ईडीनं केलेली कारवाई ही पूर्णपणे त्यांची कारवाई आहे, ईडी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही, त्यामुळे शरद पवार यांच्यावर राज्य सरकारनं सूडबुद्धीनं ही कारवाई केली आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. राज्य सरकारनं हेतुपुरस्सर किंवा राजकीय हेतूनं प्रेरित होऊन ही कारवाई केलेली नाही असं त्यांनी म्हटलंय. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी 23 सप्टेंबर रोजी शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर ईडीनं गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात असताना आता मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडलीय. राज्य सरकारचा या कारवाईशी संबंध नाही असं आता मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी ईडीनं कारवाई केली आहे. न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर ही कारवाई ईडीनं केली आहे. या गुन्ह्यामध्ये 70 जणांची नावं आहेत. 100 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा जेव्हा कोणताही गुन्हा असेल तेव्हा त्या संदर्भातली दखल ही ईडीला घ्यावीच लागते. अशा प्रकरणांमध्ये ईडी वेगळा FIR करत नाही. ईडीनं केलेल्या या कारवाईशी राज्य सरकारचा काहीही संबंध नाहीये. राज्य सरकार सूडबुद्धीनं वागत आहे. जाणीवपूर्वक निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकारचे आरोप कालपासून होत आहे, त्याला काहीही अर्थ नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. और इसी के तहत चूंकि हायकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये FIR दाखिल हुई थी तो नियमानुसार ईडी ने उसका इन्फॉर्मेशन लिया है, उसको रजिस्टर किया है. उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो एंगल है उस पर ईडी अभी जांच कर रही है. और इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि राज्य सरकार कोई बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, कोई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है. इस राज्य सरकार ने कभी भी बदले से प्रेरित या राजनीति से प्रेरित कोई कार्रवाई नहीं की. और वैसे भी जिनको राजनीति समझती है वो ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव का चित्र स्पष्ट है. हमारी जो महायुति है, बीजेपी, शिवसेना और सारे हम मित्र पक्ष है, हमारी महायुति ये जीत कर आने वाली है, ये सबको पता है. और ऐसे समय कोई बदले की भावना से और कोई राजनीतिक हेतु से इस प्रकार की कार्रवाई करता नहीं. वैसे भी हम कार्रवाई करते नहीं, लेकिन राजनीतिक भी विचार किया जाए तो भी ऐसी कार्रवाई करना ये किसी राजनीति के हित में नहीं होता है. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का आरोप बेबुनियाद है. ये बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार और जो कानून है उस कानून में ये सारी कार्रवाई चल रही है. इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. सरकार इसमें हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहती. ईडी राज्य सरकार के अंडर आती भी नहीं है. जो भी जांच है वो जांच ईडी हो चाहे मुंबई पुलिस हो, वो जांच करेगी. जांच में जो गुनहगार रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी. जिनका कोई गुनाह नहीं होगा उनके ऊपर कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के मद्देनजर हर चीज़ को ये कहना कि सरकार बदले की भावना से कर रही है, सरकार हमको टारगेट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसिर पर है, बिल्कुल गलत है.